नमामि गंगे परियोजना के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रीय विधायक चंद्रनाम दास ने कहा कि गंगा सहित सहायक नदियों को साफ और स्वच्छ रखने के उद्देश्य को लेकर 7 साल पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। विधायक ने कहा कि इस अभियान का परिणाम यह रहा कि उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में गंगा का जल न केवल साफ हुआ बल्कि पीने योग्य भी हो गया है। अभियान के तहत महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के तहत कई जानकारियां दी गई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने नदियों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की है। ये नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में करीब 10 दिन से प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न माध्यमों से इसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, डिबेट इत्यादि, और इन सभी के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और ये हमारे वॉलंटियर हैं जो इस संदेश को जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज इस नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक बागेश्वर श्री चंद्र नाम दास जी हमारे मुख्य अतिथि थे, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री किशन मरला जी, पर्यावरणविद एवं वृक्ष प्रेमी, हमारे बीच में मौजूद हैं। और जो हमारे छात्र छात्राएं जो स्वयंसेवी हैं, जो इस नमामि गंगे परियोजना से जुड़े हुए हैं, वो उनके जो भी विशेषज्ञ द्वारा जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उनसे अवश्य लाभान्वित होंगे और इन संदेशों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो आज की बहुत अधिक आवश्यकता है। क्योंकि केवल योजनाएं बनाने से तो काम नहीं होता है, उसको उसके साथ जन जन की भागीदारी अत्यंत जरूरी है। और ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी नदियों को संरक्षित करें, सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें और जल की एक एक बूंद को बचाने का प्रयास करें, तभी हमारा अस्तित्व संभव है और हम अपने भावी पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। तो इसमें जन जन की जो भागीदारी की आवश्यकता है वो तभी संभव है कि जब हम इस संदेश को जनमानस तक पहुंचाएं और उनको जल के महत्व के बारे में बताएं। और जो हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूल गए हैं कि नदियों को हम माँ समझकर उनकी पूजा करते थे, हम गंगा माँ कहकर संबोधित करते हैं, तो शायद हम भूलते जा रहे हैं कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, इन परंपराओं के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है। तो इसी संदेश को जनमानस तक पहुँचाने की ज़रूरत है, जो इस परियोजना के माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। और जो हमारे वॉलंटियर जिन्होंने इसमें जुड़े हुए हैं इस परियोजना से, वो भी इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। आज पूरे देश और प्रदेश में नमामि गंगे से जुड़ी जो परियोजना है उसको 8 साल पूरे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नमामि गंगे के माध्यम से स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा और अविरल गंगा के जो हमने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और आज आप देख रहे होंगे कि गौमुख से जाने वाली जो हमारी गंगा है, उस गंगा को जो गंगा सागर तक जाती है, आज बहुत से फैक्ट्रियों के माध्यम से, पर्यावरण दूषित के माध्यम से गंगा प्रदूषित हो रही है। और गंगा को निर्मल करने के लिए नमामि गंगे परियोजना बनाई, जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई, जिसमें वर्ल्ड बैंक से 45 अरब रुपए की योजना स्वीकृत करी थी। और मैं समझता हूँ कि आज भगीरथ प्रयास से गंगा निर्मल भी है, स्वच्छ भी है, और इस स्वच्छता के कारण आज कानपुर जैसे शहर में हम नदी का जल पीने योग्य कर सके हैं। ये बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास इस देश और दुनिया में हुआ है, नहीं तो हरिद्वार से आगे ये गंगा का जल पीने लायक नहीं होता था। इस बार तो गंगा के साथ साथ हमारी जो सहायक नदियां हैं उनको भी स्वच्छ रखने का काम हुआ है। मैं बधाई देता हूँ भारत सरकार को, बागेश्वर जनपद भी निर्मल गंगा अभियान में जुड़ गया है, जिसके कारण हमारी जो सीवर की योजना है, जो अन्य योजनाएं हैं,
उनकी भी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि निर्मल गंगा अभियान के तहत ये बहुत एक सफल प्रयास हुआ है। मैं यहाँ के बागेश्वर के लोगों को भी आज इस गोष्ठी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।